अब ध्यान से समझने वाली बात है, ये पूर्ण त्रिशूल बन गया, इसी के साथ ही पूर्ण व्यापार रेखा एक तो यहां तक बनी और एक रेखा और चल पड़ी है व्यापार की, बुध की रेखा ये भी, और ये बुध रेखा इस बुध रेखा जितनी इस बुध रेखा ने यहां तक व्यापार लेके आई, ये एक नई रेखा, एक नया व्यापार, नई नई चीज, नई लाइन और बड़े लेवल पे लेके जाएगी। फिर यहां पर देख रहे हो आप ये छोटी छोटी रेखा ये वाली, इसका अर्थ है कि बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, बड़े बड़े लोग बोलेंगे कि सर मेरे साथ काम करो, शर्मा जी मेरे साथ काम करो, मैं ये काम करा दूंगा, मैं वो करा दूंगा। ऊपर से मंगल रेखा चल रही है, प्रॉपर्टी के अंदर आपने दिमाग क्यों नहीं लगाया अभी तक, जमीन में तो आपका तो भगवान की विष्णु के आशीर्वाद से मुझे लगता है मल्टीप्लाई होगा रुपया, प्रॉपर्टी में तो सबसे ज्यादा आप धनाढ्य व्यक्ति बनोगे। और ये मणिबंध रेखा है आपकी, अगर मैं मणिबंध रेखाओं को देखता हूँ और इधर आपकी कुंडली को देखता हूँ दसवें घर का मंगल है, दसवें घर का मंगल और ये मंगल की रेखा, ये देखिए अंगूठे के नीचे से देखो, ये कितनी ये डार्क लाइन देख रहे हो आप, ये क्या है, मंगल रेखा रेखा है। और ये मंगल पर्वत कौन सा है, सारा मंगल क्षेत्र है ये, सारा क्या मंगल क्षेत्र है, यहाँ चंद्रमा आ गया, ये मंगल क्षेत्र है सारा, प्रॉपर्टी, जमीन, भूमि, मकान।